कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने के बाद सहारनपुर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनभद्र जाने से रोकने के बाद पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और जिसको लेकर नाराज सहारनपुर कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष इमरान मसूद के नेतृत्व में धरना स्थल पर कांग्रेसियों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया और साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी को बिना किसी वजह से रोका गया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे माफी मांगे। जौनपुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला भी दहन किया। प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाते समय पुलिस द्वारा रोकने से नाराज थे। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंद्र भुवन सिंह ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बलात्कार और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, मगर सीएम योगी को वो नहीं दिखाई देता। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी सोनभद्र के पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी, इसी दौरान पुलिस ने प्रियंका गांधी को रोक लिया। यूपी विधानसभा में सोनभद्र की घटना पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हर अपडेट पर है मेरी नजर, घायलों का उपचार जारी है। इटौर में एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के घर दिन दहाड़े तीन बदमाशों ने की फायरिंग, ताबड़तोड़ गोली दाग, बदमाश मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े फायरिंग से विधायक के परिवार में दहशत का माहौल है, तो वहीं पूर्व विधायक रामेश्वर यादव ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के भतीजे मोहित पर पूर्व विधायक और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव की हत्या करने का आरोप लगाया है। पटना में सुपर 30 क्लासेस चलाने वाले आनंद कुमार ने लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आनंद कुमार ने सीएम योगी से गुजारिश की है कि फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री कर दिया है। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का बदला शेड्यूल, अब 28 जुलाई को ही होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। 29 जुलाई को उपराष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम स्थगित, 28 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। भाई पर कार्रवाई को लेकर मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे खिलाफ हुई साजिश, बीजेपी कई हथकंडे अपना रही है, बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। मायावती ने कहा कि सरकार को हमारे आगे बढ़ने से तकलीफ है, चुनाव में बीजेपी ने वोट खरीदे, वंचितों को दबाया जा रहा है और चुनाव में बीजेपी के खाते में 2000 करोड़, बीजेपी अपने गिरेबान में आखिर क्यों नहीं झांकती। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट भी किया था, आनंद की संपत्ति जब्त करने पर ट्वीट किया, कहा बीजेपी सत्ता का अभी भी दुरुपयोग कर रही है, विपक्षियों को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, जबरन फर्जी मामलों में फंसा रही है, बीजेपी विपक्षियों को प्रताड़ित भी कर रही है। सीबीआई की न्यायिक हिरासत में बाहुबली अतीक अहमद का साला, सीबीआई ने अतीक अहमद के साले जकी अहमद को किया गिरफ्तार। व्यापारी के अपहरण और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तारी हुई। कल सीबीआई ने लखनऊ और इलाहाबाद के 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रायबरेली में आदित्य सिंह पर हमले का मामला निकला फर्जी, पुलिस ने जांच कर पूरे मामले को बताया झूठा। फॉरेंसिक टीम की जांच के आधार पर हमला नहीं एक्सीडेंट था, कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह के सभी आरोप झूठे निकले। फरुखाबाद में अधिकारियों ने योगी के हेल्पलाइन का मजाक बना दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने ऑनलाइन जांच अधिकारी से शिकायत की, उन्होंने ऑनलाइन शिकायत की जांच नहीं की और झूठी रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों के पास भेज दी। शाहजहांपुर में तलहर की ग्राम सभा खमरिया में दबंगों के कहर से बचकर परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया है। युवक ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि गांव के ही दबंग लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने दबंगों का पक्ष लेते हुए उल्टा परिवार को ही धमकी देकर थाने से भगा दिया और अब पीड़ित ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूंगी। फरुखाबाद में जिला विधायल निरीक्षक कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारी के निरीक्षण से कार्यालय में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कार्यालय के सभी क्लर्कों के कक्षों में फाइल अस्त व्यस्त पड़ी दिखाई दी। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी को काफी खामियां भी नजर आई, जिसे देखकर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है। बुंदेलखंड के बांदा में सांप्रदायिक ताना बाना बिखरते रह गया और मीट विक्रेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे बजरंग दल की नारेबाजी। मुस्लिम इलाकों में घुसने को लेकर मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बजरंग दल के प्रदर्शन और हो हल्ला के बाद मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतर पड़े, नारेबाजी करते हुए बजरंग दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करने लगे।
जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में एसपी कार्यालय के सामने एक दंपत्ति ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ आत्मदाह करने का प्रयास किया तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। राजेंद्र सुजानगंज थाना के नगौली गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि गांव का राजेंद्र का पिछले 5 महीनों से जमीनी विवाद चल रहा है। फरुखाबाद में बाढ़ के लिए प्रशासनिक तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। जिले के स्थानों पर मॉक ड्रिल के जरिए बाढ़ राहत कार्यों के लिए बनी रेस्क्यू टीमों ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। बाढ़ से निपटने में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल किया। ललितपुर में राजस्व विभाग में घूसखोरी का धंधा जोरों शोर के साथ चल रहा है। हर बंदी के लिए किसान से 5,000 की घूस लेते कानून गो सूर्यपाल का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कानून गो कह रहा है कि ऊपर तक अफसरों को पैसा देना पड़ता है। एक और वीडियो वायरल होने से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। सदर तहसील के ग्राम दैलवारा का ये पूरा मामला है। ललितपुर में किसानों ने दबंग रामकुमार साहू के गंभीर आरोप लगाए हैं और किसानों ने कहा कि रसूख के बल पर गरीब किसानों के पट्टों पर अवैध कब्जा कर रहा है। अपने आप को पत्रकार बताकर पट्टे का विरोध करने वाले किसानों को धमकी दी। पट्टा न करने पर सिंचाई विभाग तृतीय खंड के ऑफिस में घुसकर जिलेदार को भी धमकाया। सजनाम बांध के ग्राम कलोथरा का ये पूरा मामला है। सीतापुर के तहसील परिसर में लेखपाल की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने महिला से खेत नापने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी। पैसा न देने पर बिस्वा तहसील के लेखपाल ने महिला से बदसलूकी की और जिससे गुस्साई महिला ने लेखपाल की पिटाई कर दी और इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। सुल्तानपुर में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को रौंदा। साइकिल सवार की मौके पर मौत। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। कूड़ेभार थाना क्षेत्र में गुप्तारगंज कस्बे का ये पूरा मामला। अलीगढ़ में शराब की बोतल को लेकर विवाद। फायरिंग में युवक की मौके पर मौत। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। लखनऊ में सिविल अस्पताल की लापरवाही आई सामने। पेट में दर्द के मरीज को लगाया इंजेक्शन। इंजेक्शन लगने से मरीज की आंख की रोशनी गई। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक हुई है। एयरबेस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर युवक प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचा। मुकेश नाम के युवक को एयरफोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मुकेश से लगातार पूछताछ की जा रही है। ललितपुर में 3 दबंगों ने क्लासरूम में घुसकर 2 छात्रों को पीटा। घटना से विद्यालय प्रशासन में मचा हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म। 2 दरिंदों ने अपहरण के बाद किया दुष्कर्म। सेक्टर 51 स्थित पार्क में फेंककर युवक हुए फरार। पुलिस नहीं कर रही मामले में FIR दर्ज। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।